कृष्णा आप सभी लोग अभी सुन रहे थे श्रीमान रूपचरण प्रभु से परम पूज्य वृंदावन चंद्रदास गोस्वामी महाराज से परम पूज्य वैष्णव आश्रय महाराज के मुखारविंद से सुने तो मैं भी वही बोलूँगा जो ये लोग बोले हैं लेकिन मैं बहुत कम बोलूँगा क्योंकि बहुत भक्तों को बोलना है अभी वृंदावन चंद्रदास गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि महाराज श्री एक बार परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज बता रहे थे महाराज श्री के विषय में कि मध्य प्रदेश में कथा करने के लिए महाराज श्री गए हुए थे उसमें भैया भी थे तो महाराज श्री गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज से कहे कि आप यहीं बैठिए और मैं भागवत पढ़ रहा हूँ आप सुनते रहिए तो प्रथम स्कंध से लेकर के और पांच स्कंध तक कंटिन्यू सुनाते रहे बिना भागवत के मोहजवानी कहने का अर्थ है कि महाराज भागवत को याद भी रखते हैं जैसे हम लोग कथा करते हैं खास करके मैं अपना बात बता रहा हूँ दूसरे लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ मैं जब कथा करता हूँ तो नोटबुक सामने रखता हूँ क्योंकि हमको इतना क्षमता नहीं है कि मैं ऐसे बोल सकूँ अपने ज्ञान पर पूर्ण विश्वास नहीं है और कहा भी गया है कि कभी कभी व्यक्ति भूल जाता है लिंक से अलग हो जाता है इसलिए सामने भागवत को रह कर के ही कथा कहनी चाहिए महाराज श्री भी बताए हैं लेकिन हमारे गुरु महाराज भागवत को भागवत के रूप में लिए महाराष्ट्री की विशेषता अनेकों विशेषता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि भागवत को तद भाव भावित होकर के भागवत को सुनते हैं सुनाते हैं पढ़ते हैं भागवत को जब महाराज श्री पढ़ते हैं तो आनंद का अनुभव करते हैं एक बार इसी केशव कुंज में महाराज श्री भागवत पढ़ रहे थे और एक भक्त हम लोग के गुरु भाई जिनका नाम संदीप है संदीप के नाम से आप लोग जानते होंगे विनोद बिहारी शायद दीक्षा क्या नाम है दीक्षा का विनोद कुछ करके नाम है दीक्षा का लेकिन संदीप के नाम से वो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं जो कि में परिक्रमा करते थे प्रतिदिन दिन में दो बार तो बता रहे थे कि एक बार गए केशव कुंज में महाराज से मिलने के लिए तो महाराज उस समय भागवत पढ़ रहे थे अपने रूम में जिस रूम में अभी रह रहे हैं उसी रूम की बात है भागवत पढ़ रहे थे वो गए और जा करके लगभग पैंतालीस मिनट तक बैठे रहे लेकिन महाराज की दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ी भागवत के ऊपर पड़ी है पढ़ रहे हैं तो वो क्या किए कि महाराज के पास जा कर के उनके मुख के सामने अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं इस प्रकार कर रहे हैं फिर भी महाराज थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए कि कौन आया है क्या कर रहा है बार बार ऐसे ऐसे जैसे कोई पंखा झलता है पंखा लेकर के हवा करता है वैसे ही महाराज के सामने बार बार कर रहे थे फिर भी महाराज भागवत में मस्त थे इसके बाद वहाँ से वो बाहर निकले तो शाम का समय था भैया जा रहे थे महाराज से मिलने के लिए तो कहे कि अरे महाराज मूर्ति है कि क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है तो कहे बात क्या है तो बात यह है कि मैं गया 45 मिनट तक तो वहाँ बैठा रहा इसके बाद मैं सोचा कि वो देख कर कैसे करें क्या करें ऐसे करता रहा लेकिन वो भागवत में इतने तन्मय हैं कि अब क्या कहा जा सके तो भैया हंसने लगे कहे कि हाँ इसके बाद में वो भी गए प्रणाम करने के लिए कुछ देर के बाद गए तब तो लगभग महाराज का हो गया था अपना पढ़ना फिर भैया से मिले भैया कहे कि संदीप आया था तो संदीप आया था कहने का था हम लोग भागवत पढ़ते हैं तो कोई भी आता है तुरंत पता चल जाता है कौन है इसका मतलब भागवत में मन नहीं लगा रहता है लेकिन महाराज श्री भागवत को स्वयं भगवान मानते हुए अपने जीवन को उसी में लगाए रखे और एक बार महाराज श्री अभी रूप प्रभु बताए हैं कि महाराज स्त्री के साथ में चार लोग गोरखपुर गए हुए थे तो जब जा रहे थे रास्ते में तो उन लोगों के पास में एक स्टोव था स्टॉप, और कुछ आटा लिए हुए थे तो उन लोगों को भूख लगी अब तो सोचने लगे कि हम लोग प्रसाद पाएँ। तो सबको इतना जोर से भूख लगा हुआ था कि सोचे कि कौन पहले खाएगा भूख तो लगी है सबको तो महाराज कहे कि इसमें सोचने की क्या जरूरत है प्रसाद बनाते थे एक रोटी बनाते थे पहले चार टुकड़ा करते थे और उस चारों को चारों एक एक टुकड़ा लेकर के खा लेते थे फिर खाने के बाद फिर दोबारा दूसरा रोटी बनाते थे फिर दूसरा रोटी बनाते थे दूसरा रोटी खाते थे फिर तीसरा रोटी खाते थे और महाराज के साधुता के विषय में मैं तो सुना हूँ कि हमारे घर में महाराज जी गए हुए थे एक बार मेरे घर की बात है बहुत पहले की बात है वो लगभग छियासी सतासी की बात है एटी सिक्स एट्टी सेवन की बात है तो उस समय मेरे घर में महाराज श्री और भैया श्री दोनों बैठ कर के रोटी खा रहे थे तो हमारी एक बहन है भैया के बाद गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज के बाद की जो बहन है दूसरे नंबर की बहन वो और एक चाचा की लड़की वो भी बहन है तो दोनों क्या कर रही थी कि रोटी बना रही थी दो चूल्हा पर उस समय गैस स्टोव का कोई व्यवस्था नहीं था गांव में हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था रास्ता नहीं बिजली नहीं क्या हम लोग खुद पढ़ने आते थे तो बहुत ज़्यादा पानी पार करके आना पड़ता था तो उस गांव में महाराज हमारे घर प्रसाद के लिए बैठे तो वो बहन दोनों क्या की कि सोचें कि महाराज आए हैं तो उनके लिए छोटी छोटी रोटी बनाया जाए बिल्कुल छोटा छोटा रोटी बना रही थी छोटा छोटा तो लोग दोनों पा रहे थे प्रसाद तुरंत खत्म हो जाता था महाराज बुलाए बहन को और कहे कि इतना छोटा छोटा बनाने की क्या जरूरत है किस लिए छोटी रोटी बना रही हो बड़ा बड़ा रोटी बनाओ मोटी मोटी रोटी बनाओ तब तो फिर वो लोग मोटी रोटी बनाना चाहोगी कहने का अर्थ है कि महाराज बिल्कुल सिंपल साधारण जीवन महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी से बहुत कुछ सीखे तो हम लोगों को देखने को मिला जब भी महाराज के पास कोई जाता है अब इस समय तो मैं नहीं देखा हूँ लेकिन पहले जब बिल्कुल स्वस्थ थे तो जाते ही पूछते थे प्रसाद पाए हैं पहले प्रसाद के विषय में पूछते थे उसमें हम लोग भी हैं दोनों हम दोनों इसी वृंदावन में भागवत पढ़ रहे थे तो हम लोगों का अब अपनी कथा हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि समझाने के लिए बता रहे हैं कि महाराज के क्या स्वभाव है कि हम दोनों भागवत पढ़ते समय लगभग चार साढ़े चार बजे हम लोग रूम से निकल जाते थे साइकिल से दोनों आदमी साइकिल अलग, अलग अलग ले करके और पांच जगह भागवत पढ़ने के लिए जाते थे एक जगह नहीं पांच जगह तो सुबह में निकलते थे पहले धर्म संघ में आते थे राजवंशी द्विवेदी जी थे गुरु जी एक सौ दो बरस पर शरीर छोड़े तो सुबह में ही आ जाते थे तो उस समय न्याय पढ़ा रहे थे हम लोगों को वहाँ से फिर भागवत के लिए फिर भागवत के लिए ऐसे करते करते भूख लग जाती थी तो महाराज श्री केशव कुंज में नीचे वाले रूम में रहते थे जो नीचे का रूम था तो हम लोग जाते थे सामने वाला जो गेट के सामने रूम है आज मैं बता रहा था एक भक्त को कि इसी में महाराज रहते थे पहले उससे पहले तो मंदिर में गुरुकुल में रहते थे तो जब जाते थे तो महाराज कहते प्रसाद खाए हो तो हम लोग कहें कि नहीं महाराज अभी तो नहीं खाए हैं प्रसाद नहीं पाए हैं अब जाकर बनाएंगे तो कह रहे इसमें प्रसाद बचा हुआ है यहाँ प्रसाद है आप लोग प्रसाद पाओ तो केशव कुंज में हम दोनों प्रसाद लेते थे और प्रसाद लेकर के बर्तन धो कर के फिर निकल जाते थे तो एक दिन दो दिन तो फिर मैं इनसे कहा कि रोज जाना ठीक नहीं है जब जाएंगे तो महाराज पूछेंगे कि प्रसाद आप लोग खाओ तो कहने का अभिप्राय यह है कि महाराज किसी भी व्यक्ति से कोई भी जाता था तो प्रसाद के विषय में पूछना गांव से आया है तो उसको भूख लगी होगी और रुकने के लिए पूछना कहाँ रुके हो पहले रुकने का व्यवस्था करना खाने का व्यवस्था करना यहाँ तक कि किराया देना हनुमान प्रसाद पौधा जी की बात मैं इनसे सुना लेकिन अभी अभी बैठे बैठे मैं सोचने लगा कि अच्छा इसका मतलब कि ये सब गुण महाराज जी उनसे सीखे हैं अथवा वहाँ से लिए हैं एक बार हम लोगों को जाना था बिहार हम ए और एक और भाई थे बजरंगी बजरंगी थे तो हम लोग को जाना था बिहार और हम लोग के पास पैसा बिल्कुल नहीं था बिहार जाना था तो महाराज को प्रणाम करने गए तो महाराज कहे कि गाड़ी भरा है तो हम लोग संकोच बस कहे कि हाँ है हाँ। लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं था तो एक अपना गुरु भाई जो अभी अमेरिका में रह रहे हैं जिसका नाम है अनादि गोविंद दास तो महाराज बुलाए उसको उस समय वहीं सेवा में थे तो बुलाए और बुला कर कहे कि इन लोग को कुछ पैसा देना चाहिए इन लोग जा रहे हैं बिहार इन लोग के पास पैसा नहीं होगा क्योंकि संकोच बस बोल रहे हैं अब देखिए जैसे भगवान किसी के हृदय के बात को जानते हैं वैसे महाराज एकदम हम लोगों के हृदय के बात को जान गए गुरु कैसे भगवान होते हैं अथवा भगवान जैसे गुरु होते हैं तो महाराज श्री उनसे बोले और वो आ करके हम लोग को एक हज़ार रुपया दिए हम लोग कहे नहीं 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 तो नहीं 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 आप लोग एक हज़ार दिए और हम लोगों का उतना भाड़ा थोड़े लगा जनरल टिकट से गए थे लगभग सौ सौ डेढ़ डेढ़ सौ रुपया लगा पैसा बच भी गया बहुत खुश भी थे हम लोग कि देखो हम लोग के पास पैसा नहीं था लेकिन महाराज जी उनसे दिलवाए तो महाराज से हम लोगों को ये सब शिक्षा लेनी चाहिए भागवत के विषय में अगर कोई व्यक्ति आता है तो किस प्रकार उसके विषय में उसके लिए सोचना कहना हम जब भी महाराज से मिले हैं महाराज श्री यही कहते हैं कि भागवत कथा कहाँ चल रही भागवत करना चाहिए भागवत पढ़ना चाहिए इसके अलावा कुछ नहीं भागवत के विषय में पूछना भागवत के विषय में सुनना और सुन करके प्रसन्न होना तो हम तो यही समझ रहे हैं कि आज जो भी हम लोगों के पास में है ये गुरु महाराज की कृपा है गुरु महाराज की कृपा से आज कुछ भागवत सुनने को पढ़ने को मिल रहा है और वास्तव में हम भाग्यशाली हैं कैसे गुरु से दीक्षा लेने को सौभाग्य प्राप्त तो हुआ और मैं क्या क्या बताऊं बहुत कुछ याद आ रहा है प्रभु जी बोल रहे हैं कि आप सब कुछ बताइए लेकिन मैं सोच रहा हूं कि सब दूसरे से मैं सुनूं एक बार हम पहाड़ से आ रहे थे महाराज के साथ में एक गांव है डुमरकोन डुमरकोन गांव है वहां महाराज जी कथा कर रहे थे तो आ रहे थे बस में सब लोग बैठे महाराज भी चढ़े हम लोग भी थे तो महाराज सीट पर बैठे और लोग बैठ गए और जगह नहीं था तो कुछ भक्त खड़े थे मैं भी खड़ा था महाराज कहे कि आइए बैठ जाइए अपने पास बैठा रहे थे मैं संकोच कर रहा था कि गुरु महाराज के पास मैं कैसे कह आइए मैं बैठ नहीं रहा था तो फिर भैया थे तो इशारा के बैठ जाओ तो महाराज के गोद में मैं बैठा महाराज के गोद में मैं बैठा जब हमारे गांव में महाराज जी आते थे, थे कथा करने के लिए तो भैया पहले से ही बर्फ़ी बना करके रखते थे अपने हाथों से उसको काट करके रखते थे तो महाराज को जाते ही बर्फ़ी रख देते थे और हम लोग छोटे छोटे थे बिल्कुल छोटे छोटे तो महाराज के पास भाग भाग कर जाते थे कि महाराज खाने को देंगे मालूम था कि महाराज देंगे तो हम लोग जाते थे तो महाराज तुरंत पहले बर्फी उठाते थे, थे और देते थे उस बर्फ़ी को खाते थे फिर दोबारा बुलाते थे आओ, आओ फिर दोबारा जा कर के लेते थे ये सब देखने से यही लगता है कि महाराज कितने बड़े दयालु हैं कितने बड़े महापुरुष हैं और वास्तव में ऐसे महापुरुष इस संसार में आकर के बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं ग्राम में जन निस्तारिणे विषयी जीवों को उधार करने के लिए ऐसे महापुरुष आते हैं और ये हम लोग को देखने को मिला है अगर महाराज नहीं होते अगर हमारे गांव में नहीं जाते तो हम लोग कैसे आज यहाँ आए होते प्रभुपार से कैसे जुड़े होते महाराज प्रचार करने के लिए गांव-गांव में जाना पहाड़ों में जाना जहाँ कोई व्यवस्था नहीं कोई सुख सुविधा नहीं किसी प्रकार का कोई सुख सुविधा नहीं ऐसे गांव में प्रचार किए हैं एक बार महाराज जी अमृतसर गए हुए थे सबसे पहले कथा करने के लिए तो महाराज से मिलने के लिए लोग स्टेशन पर गए हुए थे महाराज से मिलने के लिए स्टेशन पर गए हुए थे उनको रिसीव करने के लिए उस समय हुआ क्या कि वो लोग एसी वाले डिब्बे के सामने खड़े हैं रिसीव करने के लिए और महाराज जनरल बोगी से निकले अमृतसर में सबसे पहले बार जब गए हुए थे तो जब जनरल बोगी से निकले तो वो लोग सोच रहे कि महाराज एसी वाले डिब्बा से निकलेंगे और हवाई चप्पल पहने हुए थे बिल्कुल साधारण कपड़ा पहने थे तो जो व्यक्ति बुलाया था वो महाराज से कहा कि तो महाराज थोड़ा सा कपड़ा अच्छा पहन करके आना चाहिए था और टिकट देने के लिए लोग तैयार हैं पैसा दे ही रहे थे तो एसी बोगी में आना चाहिए तो महाराज कहे कि इसकी क्या ज़रूरत है कथा सुननी है कि एसी बोगी देखना है और कपड़ा देखना है कथा सुनो तो ये है महाराज की विशेषता है एक बार बनारस में महाराज का प्रोग्राम किए हुए थे उन्हीं के भतीजा थे लक्ष्मी नारायण प्रभु लक्ष्मी नारायण प्रभु थे तो बी में प्रोग्राम किए थे महाराज श्री का तो उनको मुख्य वक्ता में बुलाया गया था मुख्य वक्ता के रूप में महाराज जी को बुलाया गया था तो जो कुलपति हैं वो बैठे हुए थे और भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे तो जब महाराज को लेकर के गए लक्ष्मी नारायण प्रभु तो साइकिल पर बैठा करके ले गए महाराज साइकिल पर बैठे हुए थे वो चलाते हुए ले जा रहे हैं जब उस सभा में गए तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे जब कुलपति देखा महाराज जी को तो देखते ही अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि महाराज का उम्र कम था उस समय लगभग सत्ताईस अट्ठाईस साल उम्र था पैंतीस पैंतीस साल महाराज का उम्र था तो उनको देख कर सोचा कि ये लड़का क्या बोलेगा महाराज का शरीर बिल्कुल दुबला पतला था लड़के जैसा लग भी रहे थे तो कुलपति अपने मुंह को नीचे कर लिया और उनको बोलना था एक घंटा लेकिन महाराज के लिए केवल आधा घंटा समय दिया गया अब सोचा कि क्या बोलेगा लेकिन जब बोलना प्रारंभ किए प्रथम वाक्य ही प्रथम शब्द ही जब बोले तो उस शब्द को सुनते ही जो कुलपति अपना मुख नीचे किया था वो तुरंत ऊपर कर लिया और लगा सुनने एक एक शब्द ध्यान से सुन रहा है सुनते सुनते जो तीस मिनट का समय दिया गया था तो महाराज पच्चीस मिनट में ही अपनी वाणी को विश्राम दे दिए समाप्त कर दिए तो जितने लड़के बैठे हुए थे उसमें सभी लोग ताली बजाने लगे और कहे कि और और और, हम लोग और सुनेंगे और सुनेंगे तब तो फिर एक घंटा का समय दिया गया अलग से महाराज डेढ़ घंटा बोले और कुलपति जब महाराज अपने वाणी को विश्राम दिए तब कुलपति बोला कि अरे मैं जब देखा तो इस बालक को देख करके मैं सोचा कि ये क्या बोलेगा लेकिन जब मैं इनके प्रथम शब्द को ही सुना तब समझा कि अरे ये तो वास्तव में बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े साधु हैं तो ये सब बहुत महाराज की विशेषता है आज भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी आज हम लोगों के बीच में रथ यात्रा के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं इसी तिथि के दिन महाराज का भी आविर्भाव हुआ तो ऐसे महापुरुष के चरणों में हम प्रणाम करते हैं मैं भगवान से प्रार्थना यही करता हूं और गुरु महाराज से बार बार प्रार्थना करता हूं कि गुरु महाराज मुझे अपने चरणों में प्रेम प्रदान कराएं और मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा मन भागवत में लगा रहे और भगवान के विषय में मैं कुछ इसी तरह का प्रचार करता रहूं इसी के साथ में आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूं हरे कृष्ण